हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने स्पोकन का सिलेबस क्या होना चाहिए ये डिस्कस करने आई हूँ। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है, आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन स्पीकिंग आपको आती क्यों नहीं है? इसका प्रॉपर सिलेबस क्या होता है? इतने सारे वीडियोस देखकर, इतने सारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, बुक्स पढ़ के आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये आपके सामने अभी क्वेश्चन होगा। और मुझे मालूम है कि सच में हम सब यही सोचते हैं कि इतना सब कुछ करके, इतनी सारे पढ़ाई करके हम स्पीकिंग क्यों नहीं कर पाते। या तो हम घर में बैठ के तो कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने जाते ही हम हेजिटेट हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? फ्रेंड, रीजन केवल एक ही है, आपके पास में प्रॉपर सिलेबस नहीं है, प्रॉपर सिक्वेंस नहीं है। तो इसके लिए आप करें तो करें क्या? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है। स्पीकिंग का सिलेबस क्या होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दो लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ना, हमारे लिए टीचर की तरह से, एक गुरु की तरह से। यदि हमें सिलेबस मालूम नहीं होगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान कौन है, इट मींस हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यदि हमारे पास में प्रॉपर सिलेबस है तो आप समझ लीजिए आपका 80% काम हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या है। तो आज का टॉपिक पूरी तरीके से स्पीकिंग का सिलेबस कैसा होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए और उसको किस हद तक हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और किस टॉपिक को लाइटली लेना है, आज वही चीजें मैं आपके सामने डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लंबा है फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम यही सर्च कर रहे हैं कि हमें स्पीकिंग कैसे आएगी, उसका सिलेबस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीडियो का नेम है सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस कैसा होना चाहिए? तो किसी भी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे स्पीकिंग आनी चाहिए, तो आप करते क्या है, चार पांच सेंटेंसेस पढ़ते हैं, चार पांच लोगों के आगे बोल देते हैं, फिर आप सोचते हैं मुझे इंग्लिश आ गई, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। फ्रेंड, ये आपकी विल पावर बिल्कुल भी नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। केवल इतने से संतुष्ट हो जाना, इट मींस केवल गागर में सागर भरने से संतुष्ट होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी तो बड़ी बात तब होगी जब आप पूरे सागर को क्रॉस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि मुझे यह काम करना ही है, किसी भी दम पर करना है। यदि ये वाली बात है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी चीज को दो दिन में सीखना है, मुझे दो घंटे में सीखना है, ऐसा मन में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। यदि आप टाइम नहीं दे सकते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं, नहीं मुझे ये काम करना ही है, एक दिन में कर लूंगा, दो दिन में कर लूंगा, तो आप स्पोकन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है लेकिन सीक्वेंस वाइज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस एंड सीक्वेंस। आपको किसी भी चीज को सीखना, मैं स्पोकन की बात नहीं करती, नॉर्मली किसी भी चीज को सीखना है, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक बस स्टैंड है जो यहाँ से केवल 5 ही मिनट की दूरी पर है। आपको मैंने बोल दिया कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, लेकिन और भी रास्ते, बहुत सारे रास्ते वहां से जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, सामने से भी जाते हैं, पीछे से भी जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के वेज है बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए। और सभी रास्तों से पहुंचने में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन ये जो रास्ता जाता है ना, यहाँ से ओनली 5 मिनट लगेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि आप 5 मिनट वाले रास्ते से जाना पसंद करेंगे या आधा घंटा, एक घंटे तक उसी बस स्टैंड के लिए आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि इसका ये मैंने जो एग्जांपल दिया ना प्रॉपर गाइडलाइन का, यदि आपके पास में प्रॉपर गाइडलाइन होगी, आपको रास्ता मालूम होगा, तो आप 5 मिनट वाले रास्ते को तुरंत फॉलो कर लेंगे। यदि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपको गाइडलाइन ही नहीं है आपके पास में, तो हो सकता है आप आधा घंटा एक घंटे तक भटकते रहे फिर बस स्टैंड पर पहुंचे। इट मींस इसका मतलब क्या है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि इसी तरीके से यदि कोई भी सिलेबस है, यदि किसी भी तरीके का लैंग्वेज का सिलेबस होने दीजिए, आपका सब्जेक्ट का सिलेबस होने दीजिए, उसको प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपरली हमें समझ में आना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर उसको सीक्वेंस होना चाहिए। गाइडलाइन कब मिलेगी हमें, जब वो प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज अरेंज होगा। यदि सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं है तो हमें गाइडलाइन भी नहीं मिल सकती है ना।
तो इसके लिए स्पोकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉपर गाइडलाइंस एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली प्रैक्टिस टेक्निक्स और सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट। ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए। अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हो, दो दिन में सेंटेंस सीख लीजिए, दो दिन में टेंस सीख लीजिए, 12 घंटे में टेंस सीख लीजिए। इंस्टीट्यूट के बाहर बोर्ड भी रहता है कि 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए। तो क्या आप 90 घंटे में तो आप वो टेंस सीख जाएंगे, लेकिन आप क्या उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे? आपके पास में ऐसा कोई मीडियम है कि आप 90 घंटे तक वहां पे सीख लिया, घर आकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो लोग आपको कुछ टेक्निक देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस, जो आप कहां पर करेंगे। दो दिन में, दो घंटे में सीखने के बाद में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इसका कारण क्या होता है? आपको रिजल्ट नहीं आता, आपकी जो शाइनेस है वो एज इट इज रहती है, आपकी जो घबराहट है वो एज इट इज रहती है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, समय कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मराठी हो, इवन इंग्लिश भी हो, कोई भी ड्यूरेशन हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि लैंग्वेज का ना तो आदि है ना अनंत है, फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, आप यहां पर पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग में आपको पीएचडी करनी है क्या? नहीं करनी है। आपको जनरली बोलना सीखना, जनरली आपको बात करना सीखना, आप ऑफिस में बोल सके, घर में बोल सके, स्कूल में बोल सके, या कहीं भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सके, तो आपको जनरली सीखना है, तो इसके लिए आपको कुछ ड्यूरेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आप स्पीकिंग ही सीखेंगे, तो वो ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए ये भी आपको सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो वर्ड्स नो इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड्स होना चाहिए, तो वर्ड्स कितने होने चाहिए? मुश्किल से 500 से 1000 वर्ड्स यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इतने होना काफी होता है। आगे भी मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आपको क्या रखना है? पेशेंस रखना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, सिलेबस क्या होना चाहिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नो वर्ब्स नो इंग्लिश। ऑब्वियसली बात है, यदि वर्ब्स नहीं है तो इंग्लिश कैसे बनेगी? मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, यहां पर क्या है? वर्ब्स। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिक थिंग्स। यहाँ पर आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग है, बेसिक थिंग है, केवल कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको उसको लाइटली लेना है, आपको पूरी तरीके से उसमें गोते नहीं खाना है। वो चीजें क्या है, पहले आप देख लीजिए। रीड और लर्न सम बेसिक थिंग्स, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, क्या क्या है देखिए। आर्टिकल्स है, प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, WH क्वेश्चंस है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वर्ब्स है, नाउन्स है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, वर्ड्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फ्रेंड, जहां पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं, इस चीज को कवर करने के लिए, इट मीन्स आर्टिकल से लेके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने के लिए हमारे कम से कम एक महीना ऐसा ही निकल जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आप ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर आप बोलना सीख रहे हैं। तो बोलने के लिए क्या आपको आर्टिकल का इतना नॉलेज होना आवश्यक है क्या? केवल इतना ही मालूम होना चाहिए कि एएनडी आर्टिकल से। इसी तरीके से WH क्वेश्चन, आपको पीएचडी नहीं करनी है इन सभी टॉपिक्स को, केवल लाइट मोड में लेना है। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है, और इसी तरीके से ये सभी चीजें लाइटली मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में इनकी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे का सिलेबस क्या है। स्टार्ट टू लर्न लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चों की तरह यदि आप सीखते हैं तो आप किसी भी चीज को जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ही हर चीज को सीखने की बोलते हैं ना काबिलियत होती है। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। फ्रेंड्स, हमारे पास में भी इंजीनियर, एडवोकेट और इसी तरीके से डॉक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, लेकिन वो लोग कैसे, किस तरीके से सीखते हैं? लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो ये कभी नहीं सोचेगा मैं यदि ये क्वेश्चन करूंगा तो सामने वाला मुझ पर हंसेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये है इंपॉर्टेंट थिंग जो स्पीकिंग के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रामबाण औषधि है। वो क्या है? सिलेक्ट मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है, और स्ट्रक्चर मेथड है। अब आप बोलेंगे ये मेथड क्या है? फ्रेंड्स, यहां पर केवल मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में बताऊंगी, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आप देख सकते हैं। मेथड को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास में आपका एनवायरमेंट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग आप मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं तो मैं बोलूंगी इस सिलेबस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्या, आप सोच भी इंग्लिश में रहे, बात भी इंग्लिश में कर रहे हैं, लिख भी इंग्लिश में रहे, बोल भी इंग्लिश में ही रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत क्या है किसी सिलेबस की? यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको किसी भी सिलेबस की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप किसी गांव से संबंध रखते हैं या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इंग्लिश बहुत ही टूटी फूटी बोली जाती है या लोग समझ ही नहीं पाते, ये थोड़ा बहुत जनरली बोली जाती है,
तो आप ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों मेथड में कौन से मेथड को सिलेक्ट किया जाए, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी, ट्रांसलेशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करने के लिए आपको स्ट्रक्चर मेथड का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जो अपने अंदर ट्रांसलेशन मेथड की भी सारी खूबियों को छुपाए हुआ है। स्ट्रक्चर मेथड क्या होता है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जहां पर मैं आपको इसके बारे में अभी मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। जहां पे कुछ वर्ब्स को चेंज करके हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा आपको बोलना आ जाता है। ट्रांसलेशन मेथड भी स्ट्रक्चर मेथड का ही एक पार्ट है, लेकिन इस ट्रांसलेशन मेथड से स्पीड पहले कम होती है, लेकिन बाद में आप बढ़ सकते हैं। और इन दोनों मेथड का जो कॉम्बिनेशन है वो है डायरेक्ट मेथड। तो इसलिए यदि एनवायरमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है आपके पास में, सरकमस्टेंसेस ऐसी नहीं है, तो डायरेक्टली इस मेथड को सिलेक्ट मत कीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर मेथड पर आइए, जिससे आप ट्रांसलेशन मेथड सीखेंगे, और उसके बाद में डायरेक्ट मेथड पर जाइए। नेक्स्ट अब देखिए टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, ये तो हमें मालूम है, 12 टेंस है, पढ़ने में क्या कितना दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे 12 टेंस को पढ़ने में, हो गया ना। हमारी स्पीकिंग सीखने को यदि हमें टेंस आ गए तो समझ लीजिए आपने 75% अपना काम कर लिया है। तो टेंस सीखने को कितना टाइम लगता है, 2 ही दिन लगते हैं, मुश्किल से 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में तो इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक्स होती है, खजाना होता है गलतियों का, क्योंकि हम करते क्या, टेंस को सीखने के लिए हम मुश्किल से 4-5 दिन देते हैं। लेकिन फ्रेंड, डू नॉट लर्न टेंस इन 2 डेज और 2 आवर्स, यहाँ पे फर्स्टली लिखा हुआ है, 2 दिन में या 2 घंटे में टेंस सीखने की जल्दबाजी मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए स्पीकिंग से आप कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि टेंस तो उसकी आत्मा है, जिसमें पूरी तरीके से तत्व को छिपा कर रखा हुआ है। सेकेंड देखिए फ्रेंड, मोर देन 118 कंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्म Only in 12 tenses. अब आपको विश्वास हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा है ना, मैं वही पढ़ रही हूँ, वही सही है। 118 constructions आप केवल कितने टेंस से बना सकते हैं, 12 टेंसेस से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये सही है फ्रेंड्स, आप सोचिए 118 कंस्ट्रक्शन के आप 2 दिन में या 2 घंटे में सीख सकते हैं। अब ये आपको सोचना है उसके लिए कितना टाइम आपको लगेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, टू लर्न मोर देन 118 कंस्ट्रक्शन विद प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी यू मे रिक्वायर मोर देन 20-30 डे। इट मींस आपको 1 मंथ तक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 12 टेंस सीखने के लिए यदि आप नॉर्मली देखें तो आपको 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन यदि ऐसा बोल दिया जाए उन 12 टेंसेस के अंदर 118 कंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा ये आप सोच सकते हैं। कम से कम आपको 1 महीना, उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर है, यहाँ पर हमने मिनिमम टाइम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, टेंस के अंदर 118 कंस्ट्रक्शंस, ऐसा कभी होता है, बिल्कुल है फ्रेंड्स, 118 कंस्ट्रक्शन बेस होते हैं, जिसके कारण आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होता है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 12 टेंसेस पढ़ लिए और उनके अंदर के 118 कंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए, आपका हो गया। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको कम से कम 1 महीना और अधिक से अधिक 2-3 महीने भी लग सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड अवॉइड कंफ्यूजन। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे स्पोकन का सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको उसका सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, देखिए कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में क्या तुरंत सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे या सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे क्या? यदि ऐसा करते हैं तो आई एम वेरी मच सॉरी टू से, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टेंसेस है, ये हम बोल सकते हैं जो भाषा का कंस्ट्रक्शन है पहले से हो चुका है, यदि उसके अंदर आप कुछ भी गड़बड़ी करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप सोच सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, उसके बाद में टू बी के आए, टू हैव का आया, उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इट मींस ऐसा ही स्ट्रक्चर जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है उसी के अकॉर्डिंग यदि आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उसमें गड़बड़ी कर देते, जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखते, कभी सिंपल प्रेजेंट का देख लिया, उसके बाद में सिंपल पास्ट का देख लिया, बीच का क्या हुआ, बीच का पूरा गया, तो क्या होता है, रिजल्ट नहीं मिलता और कंफ्यूजन ही बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। और सीक्वेंस फॉलो करने के लिए मैं आपको केवल एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप हमारे सिलेबस को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो ये मैंने सिलेबस बनाया है, ये मेरे मन से नहीं बनाया कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो रख दिया, बल्कि 35 सालों का अनुभव के आधार पर
पर ये सिलेबस को डिजाइन किया गया है। हमने बच्चों को पढ़ाया स्पीकिंग के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स क्या थी, क्योंकि हमारे पास में मोस्ट ऑफ विलेज एरिया के बच्चे आते थे, एडवोकेट आते थे, इंजीनियर आते थे या डॉक्टर आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती थी, वो सब हायर एजुकेटेड भी थे लेकिन फिर भी उनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती थी, वो सभी कुछ समझ के उन सबकी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हमने ये पूरा सिलेबस को मेंटेन किया है, तैयार किया है। नेक्स्ट देखिए, टू लर्न एंड प्रैक्टिस मोर देन 600 कंस्ट्रक्शन यू मस्ट स्टडी टेंसेस प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, मोर देन 600 जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनकी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। लेकिन ये जो मोर देन 600 कंस्ट्रक्शंस हैं इनका बेस क्या है, बेस है फ्रेंड्स 12 टेंसेस। यदि आप 12 टेंसेस को समझ लेते हैं, मोर देन जो 600 कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपरली जो टेंसेस है उनको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज ही आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड स्टडी मॉडल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोर देन 300 कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, जो मॉडल्स हैं उसमें भी 300 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। अब आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पर 600 बन रहे हैं, यहां पे 300 बन रहे हैं। तो फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना है, आप टेंसेस पढ़ते हैं, टेंसेस के बाद में आपको मॉडल्स पढ़ने होते हैं और मॉडल्स में मोर देन 300 कंस्ट्रक्शंस फ्रेम होते हैं। इट मींस मोर देन 600 में से मोर देन 300 कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो मॉडल्स के बनते हैं। लेकिन मॉडल्स कब पढ़ना है आपको, जब आप पूरे टेंसेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मॉडल्स का पार्ट आफ्टर टेंस के आता है। नेक्स्ट आप देखिए, अब रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लोग ये बोलते हैं ना स्टार्टिंग में स्पीकिंग सीखने के लिए आपको रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, लिसनिंग करना है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आप रीडिंग राइटिंग लिसनिंग करते हैं, तो यहां पर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। आपको जहां एक महीने लग रहा होगा ना सीखने में, वहां पर हो सकता है एक दो साल लगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी कारण मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में 10 से 15 साल का टाइम लगा था, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग की थी। रीडिंग कब करना है, जो हम सिलेबस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये नाउन है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। जब तक आपको पूरा मालूम नहीं होगा, आपको पूरी रूपरेखा क्लियर नहीं होगी, तब तक रीडिंग राइटिंग लिसनिंग का कोई भी फायदा नहीं होता है। रीडिंग करना है लेकिन कब करना है, इस पॉइंट पर आकर के जब आपके सभी टेंसेस क्लियर हो जाए, एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए, मोर देन 600 जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको मालूम हो जाए। रीडिंग में क्या करना, अब क्वेश्चन है कि रीडिंग के अंदर करना क्या है, डायरेक्टली हार्ड टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या, हम बचपन में जब बोलना शुरू करते हैं तो डायरेक्टली ग्रामेटिकली बोलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोलते ना। तो सेम थिंग आपको यहां पर फॉलो करनी है, सिंपल टॉपिक्स आपको रीड करना है, एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं वो आपको रीड करना है, वो पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, लेकिन सिंपल पढ़ने, इमीडिएट हार्ड पर नहीं जाना। यदि आप हार्ड पर जाते हैं तो क्या होगा, आप केवल बोर होंगे, बाकी रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है राइटिंग। सिंपल टॉपिक को आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए नोटबुक कैरी कीजिए और उसमें वो टॉपिक्स को लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि लिखा हुआ जिंदगी भर हमें याद रहे, तक हम तब तक हमें याद रहता है और बाद में भी हमें याद रहता है, इसलिए सिंपल सिंपल टॉपिक्स को लिखिए और आपकी जो भी गलतियां होती है उनको सर्कल बनाकर रखिए, ताकि आगे जाके वो गलतियां बोलते टाइम पर ना हो। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग, सुनना। अभी सुनना क्या है, कंपोजिशंस, स्टोरीज, जोक्स, सॉन्ग्स, न्यूज और कुछ भी जो आपको लगता है, सुनने के लिए आप सब कुछ अलाउ है। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम हार्ड जो टफ चीज है वो मत सुनिए, छोटी छोटी स्टोरीज है वो सुनिए, जोक्स है वो सुनिए, और उसके बाद में आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल करके आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि ये तीनों चीजें कब काम आती है, जब आप पहले जो हमने आपको सीक्वेंस दिए उसको फॉलो करते हो। नेक्स्ट है अब हमारा सेल्फ प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि स्पोकन के लिए सेल्फ प्रैक्टिस कैसे की जाए, सेल्फ प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, एक्टिविटीज करने से क्या फायदा होता है। फ्रेंड, स्पोकन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही होता है, यदि आपके यहां तक के डाउट क्लियर हो चुके हैं लिसनिंग तक के, तब आप सेल्फ प्रैक्टिस पर आएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी, हम आपको ये नहीं बोलते कि आप किसी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप घर में बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग की। बिल्कुल सही फ्रेंड, आपने जो सुन रहे हैं कि आप घर पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हमने आपको दिए हैं, हमारे जो मेथड्स हैं। जैसे कि आपके पास में कोई पार्टनर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ये पेन है इसको पार्टनर कर लीजिए, जो आपका लुकिंग ग्लास है जितना फेस देखते हैं उसको पार्टनर कर लीजिए, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटीज, अभी एक्टिविटीज कौन सी करनी है, जैसे कि आप छोटी छोटी स्टोरी सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चनिंग एंसरिंग कीजिए। क्वेश्चनिंग एंसरिंग से क्या होता है, आपको तुरंत समझ में आता है कि कौन सा टेंस का यूज कहां पे करना है और किस तरीके से
से हमें क्वेश्चन पुटअप करना है और उनके आंसर भी देने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज वोकैबुलरी। अब आप बोलेंगे कि ये शब्दकोश को बढ़ाना क्यों जरूरी है, वोकैबुलरी को बढ़ाना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी क्या है? मोतियों की तरह से, जब तक आप इनको माला में नहीं पिरोएंगे तब तक वो सेंटेंस नहीं बन सकते। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ राम सिट गो ईट, अब आप बोलेंगे क्या हो रहा है, सब अलग अलग वर्ड्स है ना। यदि मैं इनको एक लाइन में पिरो देती हूँ तो हो सकता है एक सेंटेंस बन जाए। इसके लिए आपको वोकैबुलरी को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। यदि आपका शब्दकोश बड़ा हुआ रहेगा तो भी आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए फ्रेंड्स हमने जो आपको ऊपर के आइडियाज बताई वही आपको फॉलो करना है। न्यूज पढ़ना है, रीडिंग करनी है, वो सभी चीजें आपको करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स बिजनेस इंग्लिश। तो आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां तय करनी है जो आप खुद से कर सकते। आप अकेले रूम में बैठ करके ऐसी परिस्थितियां कर सकते हैं। स्कूल में जाते हो अपनी बेटी के बारे में, आप उसके टीचर से आपको बात करनी है तो वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो डायलॉग्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑफिस में आपका झगड़ा हो जाता है तो वो डायलॉग क्या क्या होंगे। फोन पर आप गप्पे मार रहे हैं तो वो डायलॉग्स क्या क्या होंगे। मतलब इस तरीके की परिस्थितियां आपको क्रिएट करनी है ताकि आपको इंग्लिश बोलना आ सके। तो यहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से डायलॉग रहते हैं जो आपको कब आएंगे, जब आपने वो टेंसेस सीखे होंगे। मोर देन 600 कंस्ट्रक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो इंग्लिश में यही होती है और यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हर टाइम पर ऐसा तो नहीं कोई हमें बात करने के लिए एक पार्टनर ही मिल जाए। हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब बिजी रहते हैं तो पार्टनर कहाँ से मिलेगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया आपको किसी ऑब्जेक्ट को रख लेना और उसको पार्टनर बना लेना है। जैसे कि मेरे पास पेन है, मैं इसको अपना पार्टनर कर सकती हूँ, या मेरी बेटी है मैं उसके साथ में अपना पार्टनरशिप कर सकती हूँ, उसके साथ बोलने की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो पार्टनर करने के लिए आपको यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पार्टनर कर लीजिए, डायरेक्टली बोलना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा प्रोनाउंसिएशन एसेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट का है, इस पे ज्यादा आपको इतना थिंकिंग नहीं करनी है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए और एसेंट्स कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ का एसेंट्स और जो हमारी फॉरेन कंट्री का एसेंट है दोनों में अंतर हो सकता है। जैसे कि मैं छोटा सा एक वर्ड लेती हूँ, वेडनेसडे, बुधवार, इंडिया में रहकर वेडनेसडे बोलते हैं, बाहर जब जाएंगे तो आप वेडनेसडे बोलेंगे। हम यहाँ पिज्जा बोलते हैं, बाहर जाएंगे तो पिज्जा बोलेंगे। तो ये एसेंट्स है, इसकी प्रैक्टिस आपको सुन सुनकर यूट्यूब वीडियोस देखकर ये हो जाती है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। आपको ध्यान कहां रखना है, ऊपर के जो 15 टॉपिक्स हमने जो आपको 15 टॉपिक्स दिए उन पर पहले आप कंसंट्रेट कीजिए, फिर बाद में आप इन पर आ सकते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस, हमारा मतलब हमारा 35 ईयर का एक्सपीरियंस जो हमने महसूस किया, अनुभव किया, उसके आधार पर हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए। अब आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लस के साथ में माइनस भी आता है। डोंट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या क्या, पहले देखिए, डोंट वॉच ओनली वीडियोस। हम जो कि इररेफरेंसली वीडियोस देखते हैं ना, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी इस सर के, कभी उस सर के, यहां सब्सक्राइब करते हैं, वहां करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप देखिए वीडियो, लेकिन ऐसा सोचना नहीं कि आप कभी इस वीडियो को देखेंगे। आपको एक रेफरेंसली वीडियोस देखने, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस को फॉलो करना है। नेक्स्ट आप देखिए, डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ योर सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी और को देख करके कि हाँ उसको इस सिलेबस से जल्दी आ गया, मैं अपना सिलेबस चेंज करके उसके पास जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे हाथों की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती है, इसलिए हर पर्सन टू पर्सन जो उसकी थिंकिंग है वो भी चेंज होती रहती है। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसको ही हमें फॉलो करना है, उसके हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आप देखिए, डोंट स्टडी और रीड डिफिकल्ट टॉपिक्स। डायरेक्टली आपको करना नहीं है कि ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक को पकड़ लेना, उस पर सोचना है, पढ़ना शुरू कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया था, एक महीने की जगह एक साल भी लग सकता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आप देखिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, जो कि हम अक्सर करते हैं, हमें अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करने, अरे उसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मुझे क्यों नहीं आती है। तो यहां पर क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और हमें आते हुए भी हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह हमारे इंस्टीट्यूट का 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने आज से आपके सामने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, ये सभी जो पूरा सिलेबस बनाया गया ये किसी मेरे मन से नहीं है या किसी पर्टिकुलर टीचर के मन से नहीं था, बल्कि हमने जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को 35 सालों से अनुभव किया उसके आधार पर ये पूरा सिलेबस डिजाइन किया है। फ्रेंड्स, ये स्पीकिंग का सिलेबस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ग्रामर का कुछ पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। ग्रामर एक डिफरेंट टॉपिक होता है और स्पीकिंग अलग टॉपिक होता है। फ्रेंड्स, दोनों ही सिलेबस अलग होते हैं, तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, दोनों सिलेबस अलग होते हैं तो आप समझेंगे कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दी
दी गई है। तो जब आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेते तो वहां पे आपको दो कोर्सेज मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिलेबस है 60-90 डेज का स्पोकन का कोर्स है। अब आप देख रहे हैं स्पोकन का कोर्स बिल्कुल अलग है, और इसी प्रकार से A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल, ये जो ग्रामर का सिलेबस है ये भी अलग है, दोनों ही सिलेबस अलग अलग है। इसके लिए फ्रेंड्स आप हमारे कुछ डेमो वीडियोज भी देख सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि दोनों ही सिलेबस अलग है। एक जहाँ आपको बोलना सिखाता है वहीं दूसरा आपकी ग्रामर को अच्छा करता है, एक्यूरेट करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो 101% आपको इंग्लिश के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइए, कुछ दिक्कतें वो भी आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच।